एक्चुअली मेरे दो शोज हैं एमएक्स प्लेयर पर, इस फेज में लॉन्च नहीं हो रहे हैं. आज रात को एमएक्स प्लेयर लॉन्च होने वाला है और बहुत अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग शोज लॉन्च हो रहे हैं. पर मेरे जो दो शो हैं वो है शादी फिट और आइडिया वाले. दोनों बहुत अलग किस्म के शोज हैं. आइडिया वाले जो है वो है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर एक फिक्शन शो, 90s में बेस्ड है और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर का रोल कर रही हूँ. और शादी फिट जो है वो एक रियलिटी शो है जहाँ चार कपल्स तैयार हो रहे हैं शादी होने के लिए, इन टर्म्स ऑफ फिट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं. सो दैट्स इट. जी देखिए, ये तो फ्यूचर है. आप देखेंगे तो अब ज़्यादातर नहीं, बहुत लोगों का ध्यान अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर गया है जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया कंटेंट बन रहा है. सबसे अच्छी बात ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ये है कि आप अपना मनपसंद शो देख सकते हैं अपने टाइम पर, जब भी आप चाहें आप शो ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं. और डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी एपिसोड्स ड्रॉप हुए हैं आप उतने एपिसोड्स एक साथ देख सकते हैं या अलग अलग करके देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. सो मर्ज़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये नहीं कि आपको संडे रात को 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए, या आप एक साथ देख सकते हैं अपने टाइम पर, अपने फ़ोन पर, अपने डिवाइस पर, कभी भी कहीं भी. एंड दैट इज़ द बेस्ट. क्या जी, इसकी वजह से फिल्मों में भी कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? कंटेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है. मैं बोलती हूँ टेलीविजन पे हो या वेब पे हो या फिल्मों पे हो, कंटेंट इज़ किंग. आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो और उस स्क्रिप्ट को निभाने के लिए अच्छे एक्टर्स हों तो सबसे पहले स्क्रिप्ट. अच्छे एक्टर्स भी आ सकते हैं और स्क्रिप्ट अगर बकवास है, कॉन्टेंट अगर बकवास है तो फ़ायदा क्या है. तो कॉन्टेंट इज़ किंग, नंबर वन कम्स कॉन्टेंट, उसके बाद सब कुछ. थैंक यू. अभी शूट, ये सबसे लंबा शूट चल रहा है, मैं एक साल से शूट कर रही हूँ. फिलहाल मेरा शूट नहीं चल रहा है इसलिए मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए, नहीं तो बहुत शॉर्ट है मेरा लुक है. बहुत पसंद आ रहा है वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे. आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिलीज माय सेल्फ. आई एम अ बिलीवर इन लव एंड नॉट वॉर. आई एम अ बिलीवर इन डायलॉग. हम सब बहुत पूरा देश इस अटैक के बाद बहुत दुखी है. बट आई एम अ बिलीवर इन डायलॉग एंड इट्स वेरी वेरी सैड व्हाट हैपेंड. बट जी, आफत एक नया वेब शो है जो एक जो नई ऐप है आज ही लॉन्च हुई है एमएक्स प्लेयर, उस पर आने वाला है. 5 लड़कियों के कहानी है, कैसे वो एक अरेंज मैरिज के जाल में फंसी हुई हैं विलिंगली अनविलिंगली, एंड पांचों की कोई ना कोई उनमें कोई ऐसी बात है जो उनको सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल नहीं बनाती है. और उसके बावजूद भी व्हेन दे गेट इनटू एन अरेंज मैरिज उनको किस टाइप की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, दैट्स व्हाट आफत इज़ अबाउट. जी, मैं आफत में जितनी ये 5 लड़कियां हैं उनके पांचों के नाम आफत के हर अल्फाबेट से शुरू होते हैं. तो मैं जो हूँ तितली का किरदार निभा रही हूँ, आफत का टी और तितली. तितली जो लड़की है वो बहुत ही कम उम्र पर लव मैरिज करने के बाद 6 महीने में डिवोर्स होकर अपने माँ बाप के साथ रह रही है. तो बेसिकली उसकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर अ डिवोर्स एट अ वेरी यंग एज व्हाट शी हैज़ टू गो थ्रू. उसके पेरेंट्स ने उसको ऑफकोर्स अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम शी डजंट हैव द राइट टू मेक हर ओन चॉइसेस बिकॉज शी इज़ मेड अ मिस्टेक वंस. तो दैट इज़ तितलीज प्रॉब्लम. आई थिंक आफत वाला मोमेंट डिफ़िकल्ट नहीं होता है. आफत एक ऐसी चीज़ होती है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारे आसपास के लोग क्रिएट करते हैं. सो मोर देन हैविंग अ डिफ़िकल्टी मोमेंट यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद इट, दैट्स समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. जो आपको इस वेब सीरीज़ को देखकर रियलाइज़ होगा दैट इट्स काफ़ी चीज़ें जो हमें लगता है नॉर्मल हैं, जो हम उनके साथ बचपन से बड़े होते आए हैं, हमें अब पता चलेगा कि नो देर इज़ एन इशू एंड दैट नीड्स टू चेंज. मेरी लाइफ में आए तो ऑलवेज से आई एम माई ओन आफत.
मैं सारे प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करती हूँ, खुद क्रिप करती हूँ, खुद ही सॉल्व करती हूँ. सो नोबडी कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स दैन आई कैन डू फॉर माई सेल्फ. जी बहुत बढ़िया. हमने शूट जो है इंटायरली दिल्ली में किया है. इट्स अ दिल्ली बेस्ड स्टोरी. तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. अनफॉर्चुनेटली पाँचों ने एक साथ शूट नहीं किया है, लेकिन आई थिंक इंडिविजुअली स्पेशली वंस इट्स कम टुगेदर काफ़ी एक्साइटेड है जिस तरह से दिख रहा है. थैंक यू.